Once in my life, I stood in queues for the Indian Idol auditions. And I got eliminated at top 8 or top 9. I could have never imagined that I would be the judge of the show in which I was a contestant myself. जी हाँ, बात कर रहे हैं नेहा कक्कड़ की। आज उनके बर्थडे पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नेहा कक्कड़ के सफलता का कारण ये नहीं था कि वो बहुत रईस थी, ना ही ये था कि उनके पिताजी का बॉलीवुड में कोई कनेक्शन था। उनकी सफलता का केवल एक ही कारण है, वो है द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। नेहा एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उनके पिता कॉलेज के सामने समोसे बेचकर अपना घर चलाते थे। एक रूम में पूरा परिवार रहा करता था। उसी रूम में एक टेबल लगाकर उसे किचन बना दिया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त जब वो कहती होगी कि मैं एक दिन बॉलीवुड में काम करूंगी, तो लोग उनका कितना मजाक उड़ाते होंगे। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके दुश्मनों को सबसे बड़ा थप्पड़ आपकी तरक्की मारती है। समय ने अपना जोर दिखाया, नेहा इंडियन आइडल तक गई, टॉप 8 तक गई, फिर एलिमिनेट हो गई। सरल तो कहानी किसी की भी नहीं रही है। ऊपर वाले को प्रूफ करना पड़ता है कि आपको जो वो देना चाह रहे हैं, आप उसके लायक है भी कि नहीं। नेहा ने क्या खूब दिखाया, कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया, धीरे 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 उन्होंने अपने आप को और ऊंचा किया, अपने गाने के स्तर को और ऊंचा किया, और आखिरकार कॉकटेल से उनकी करियर में एक अलग ही छलांग आई। और आज नेहा क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। Once again, happy birthday, Neha ma'am.